हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोटी हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। यह अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। यदि हम खाने के साथ अचार को सर्व करते हैं, वो भी हरी मिर्चों का अचार, तो खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है, इनको अच्छे से धो लिया है। इस तरह की मिर्च मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। अब हम इसको कॉटन के कपड़े पे निकाल लेंगे और एक दूसरा साफ कपड़ा लेके इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। हमें मिर्चों को अच्छे से पोंछना है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मिर्चों का अचार खराब हो जाता है। कोई सा भी अचार हम बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम मिर्चों को अच्छे से पोंछेंगे। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लिया है, जिससे कि बिल्कुल भी पानी नहीं रहे और अच्छे से सूख जाए। सारी मिर्चों को इसी तरह से पोंछ लेने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं, और हम इतने और तैयारी करते हैं, इतनी देर आधा घंटा धूप में रख देंगे तो और बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। फिर अब मैंने इसके लिए सरसों का तेल लिया है, वाइट वाला सिरका लिया है, हींग लिया है, राई, सरसों बड़ी वाली, छोटी वाली राई, मोटी सौंफ, गरम मसाला, लाल मिर्च, तेगी मिर्च, जीरा, नमक, मेथी दाना, अमचूर, हल्दी और साबुत धनिया लेंगे। अब हमें गैस पर पैन को रख देंगे। इसमें हम बड़ी वाली सरसों, छोटी वाली राई जिसे कहते हैं वो, यदि आपको पीली सरसों मिल जाती है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पीली वाली राई, मेथी दाना, सौंफ मोटी वाली, जीरा और 2 चम्मच साबुत धनिया का भी डालेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं करना है, और बस इतना भूनना है कि इनका मॉइस्चर निकल जाए, इनमें हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अपने मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में सरसों के तेल को गरम करेंगे। मिर्च का अचार सरसों के तेल में ही डालना चाहिए, उसी से अच्छा बनता है। कि मैंने 3 बड़ी वाली चम्मच तेल ले लिया है, इसको थोड़ा गरम होने देंगे और जब तेज गरम हो जाए तो गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब इस तेल को एक साइड रख देंगे। अब जो हमने मसाला निकाला था प्लेट में, इसमें हम हल्दी डालेंगे, देगी मिर्च डालेंगे। ये मिर्चें तेज नहीं होती इसलिए मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ, कलर भी अच्छा आता है। गरम मसाला डालेंगे, खटाई डालेंगे, नमक डालेंगे। ये सब मैंने थोड़ी बड़ी वाली चम्मच है उससे नाप लिया है। यदि आप मिर्च ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसको हम तरतरा पीस लेंगे, हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। इस तरह से दरदरा मसाला रखना है, इस तरह से। अब हम इस मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर हम इसमें 3 चम्मच बड़ी वाली विनेगर डालेंगे। थोड़ी बड़ी चम्मच है, आप अपने मसाले के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज्यादा। और अब हम इसमें जो हमने सरसों का तेल गरम करा था, हींग वाला, वो मिला देंगे आधा, और आधा तेल को रोक लेंगे, उसे हम बाद में यूज करेंगे। 3 चम्मच तेल मैंने इसमें मिला दिया है, यदि आपको कम लगता है तो थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे, हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से इतना अच्छा से मिक्स नहीं होता है। हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम मिर्चों को लेंगे और इसमें इस तरह से चीरा लगाएंगे, केवल एक साइड, जिससे कि जुड़ा रहे। आप चाहें तो इसकी डंठल भी हटा सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल रही हूँ, इसकी डंठल को रिमूव नहीं कर रही हूँ। इस
तरह से हम सब में कट लगा लेंगे सारी मिर्चों में। सारी मिर्चों में मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। अब हमारी सारी मिर्चों में कट लग गया है। अब हम इसमें मसाला भरेंगे जो हमने तैयार किया था इस तरह से, चाहे तो आप स्पून से भर लें और चाहे हाथ से भर लें। जो जगह रह गई है इसमें थोड़ा सा मसाला और भरेंगे और इसे हाथ से सारे में फैला देंगे और इस तरह से अपनी मिर्चों को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी मिर्च लेके उसमें मसाला भर रही हूँ। सारी मिर्चों में इसी तरह से मसाला को फिल कर लेंगे। मुझे मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है मिर्च में, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना मसाला है उस तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे उस हिसाब से। यदि आप मिर्च ज़्यादा ले रहे हैं तो मसाले का उतनी अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। सारा मसाला मैंने इस तरह से सारी मिर्चों में भर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक साफ बोट लेंगे, सूखा बिल्कुल, उसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे। बोट बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। किसी भी अचार को डालते हुए ध्यान रखना चाहिए कि बोट सूखा हो। अब हम इसमें अपनी सारी मिर्चों को रख देंगे वन बाई वन। यदि मिर्चें ज़्यादा हैं तो हल्का सा दबाते जाएंगे और मिर्चें बोट में रखते जाएंगे। सारी मिर्चों को मैंने रख दिया है और जो मसाला बचा है वो भी इसमें डाल देंगे। अब हमारा जो तेल बचा हुआ था आधा, वो हम इसमें डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से हिला देंगे। अब हम इसे दो तीन दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे रोज हिला देंगे, जिससे कि तेल ऊपर नीचे हो जाए। और इसे धूप में भी रख सकते हैं हम, तो चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। हमारा स्वादिष्ट हरी मिर्चों का अचार तैयार है खाने के लिए। दो तीन दिन में ही आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी अचार बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।